देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये कॉन्फ्रेंस अजय माकन द्वारा सरकारी विभागों के रिटायर कर्मचारियों को लेकर और विभाग जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, सीबीडब्ल्यूटी की वर्तमान सरकार द्वारा किए प्रशासनिक फेरबदल को लेकर किया गया। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल, एमटीएनएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया, आईएआरआई को खत्म करने के लिए लगातार इनके कर्मचारियों पर वार कर रही है। 165 साल पुरानी सीपीडब्ल्यूडीयू सहित 12 संगठनों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। एयर इंडिया के हाउसिंग कॉलोनी 47 साल पुरानी है, जिसमें 810 फ्लैट है और यह 100 वर्ष के पट्टे पर है। अब जब एयर इंडिया घाटे में चल रही है तो केंद्र सरकार जमीन को खाली करा रही है। देखते हैं कि लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। कांग्रेस के ढोल सुनते ही, कांग्रेस के बात सुनते ही लोग बालकनी में आ रहे हैं, नीचे हमारे को आकर के मिल रहे हैं, ये साइन बना रहे हैं, समझा प्रेम ले रहे हैं। तो मेरा ये नवा इलेक्शन है एमएलए और पार्लियामेंट का, और पिछले 8 इलेक्शन में से 5-6 इलेक्शन में जीत चुका हूँ, और इस वजह से मैं इस आधार पर मैं कह सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि कांग्रेस का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट दिल्ली में चलता है और मोदी के खिलाफ में बहुत ज़बरदस्त वेव है दिल्ली में। खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर के, सीलिंग को लेकर के, कारोबार को लेकर के, सरकारी कर्मचारियों के अंदर जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से नौकरियां खत्म करी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के दिल्ली में बहुत स्ट्रॉन्ग एक एंटी मोदी वेव चल रही है और प्रो कांग्रेस वेव चल रही है। इन सब बातों को लेकर सर, कल प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर मोदी जी को लेकर आया है कि GST और नोटबंदी के मुद्दे पर अपने आखिरी चरणों का चुनाव लड़ने मोदी दिखाए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि GST और नोटबंदी का मतलब हमारे बेरोजगारी है, GST और नोटबंदी का मतलब कारोबार में हल्कापन है, और इसकी वजह से लोग नाराज हैं। और सरकारी कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हुआ है, सातवें वेतन आयोग और दूसरे जो PSUs हैं उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, इन सब चीज़ों को मिला करके, दिल्ली कर्मचारी और व्यापारियों का शहर है, तो चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला है, चाहे बड़ी दुकान वाला है, सभी के सभी लोग एडवर्सली इम्पैक्ट, लोगों के 40-50% लोगों की सेल कम हो गई है 5 साल के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोगों को असर कर रही हैं, और ये सब इलेक्शन का इशू है, बेरोजगारी इलेक्शन का इशू है, कारोबार इलेक्शन का इशू है, सरकारी कर्मचारियों के साथ में जो मिसट्रीटमेंट हुआ है वो इलेक्शन का इशू है, और लोग वापस कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि सीलिंग में हमने पहले राहत दी, सरकारी कर्मचारियों के हमने पहले बेहतर हमने किया, और हमारा मैनिफेस्टो एक बेहतर रोशनी आगे के लिए भी डालता है। सर, एक आखिरी सवाल है कि मनीष सिसोदिया और आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गौतम गंभीर ने आतिशी के खिलाफ कुछ एक अखबारों में आपत्तिजनक जो पर्चे हैं वो बटवाए हैं। आतिशी रोई भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे उसमें, तो सर इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। देखिए, हमारे अरविंदर सिंह लवली हमारे इस दिल्ली में बहुत सबसे आगे, और इसलिए हम दूसरों की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ करके दूसरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे बहुत पीछे पिछड़ गए। अब दोनों के दोनों बाहरी कैंडिडेट लोगों के बीच के अंदर अपने आप को घुसाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, और इसी वजह से, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जो लोकल कैंडिडेट हैं, बाकी ये दोनों कैंडिडेट पिकनिक मनाने वहाँ पर आए हैं, तो अब इनको कोई पूछ नहीं रहा, तो जब कोई पूछ नहीं रहा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है इनकी, और इस वजह से ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों बाहरी प्रत्याशियों को कोई वहाँ पर लोकल पूछ नहीं रहा, वहाँ पर जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली एज लोकल कैंडिडेट लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये दोनों घबरा गए। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।